करा दिया था। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक ईगल का झुंड आया। ईगल वाचुकालीन हिंदी बाज का झुंड आया और वो बच्चे को उठाया और उड़ा करके लेके चला गया। लोगों ने देखा कि बच्चे को ले जा रहे हैं, माँ भी बेटी दौड़ी उसको बचाने के लिए। जितने भी वहां के लोग थे वो भागे बच्चे के पीछे, लेकिन वो ईगल का झुंड इतनी ऊंचाई पर वो लेके जाके पहुंच गया था और वो समुद्र के किनारे ले जा करके एकदम ऊंची चोटी पर अपने घोंसले में रखा। सब लोग प्रयास कर रहे हैं उसको जाने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन चोटी इतनी फिसलनदार है कि लोग पैर रखते हैं और फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। वहां के जितने भी शिफर थे, गरेरिया थे, वहां के जितने भी नागरिक थे, सारे लोगों ने कोशिश किया और सारे लोग हार गए। हारने के बाद देखा कि एक औरत आई, अपने जान की परवाह नहीं किया और उस चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते वो उस शिखर पे पहुंच गए जहां पे बच्चे को ईगल ने रखा था। एक हाथ से बच्चे को उठाई और दूसरे हाथ से चोटी को संभाल करके एक एक पैर को नीचे करते हुए लेकर के नीचे उतरी। वो जानते हैं वो औरत कौन थी? ये औरत वही थी जिसका बच्चा था, वो मां थी। और आज जो ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है मेरे दोस्तों, वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है, महिला सशक्तिकरण का जो ये माहौल चल रहा है, तो नारी में इतनी शक्ति होती है। सारे लोग फेल हो गए, भगवान लोग फेल हो गए, लेकिन एक माँ के अंदर वो ताकत थी कि माँ ने उस बच्चे को बचाया। और ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यत्र यत्र नार्यस्त तत्र तत्र, यत्र यत्र नार्यस्ते तत्र तत्र पूजयन्ते देवता। जहां पर नारियों की उपासना होती है, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां पर देवता का निवास करता है, वहां पर देवता लोग रहते हैं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन होना है, जो देना है, वो एक माँ है। माँ के अनेकों रूप होते हैं मेरे दोस्तों, और वो माँ आज आपके सामने अपना प्रस्तुतिकरण देगी, आपको बताएंगी कि किस तरह से हम अपने को सशक्त कर सकते हैं। हम अब अबला नहीं है, हमारे अंदर वो सारी ताकत है, सारी चीजें हैं, हमको उसको जगाने की जरूरत है, उसको इम्पावरमेंट देने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की स्पीकर नन अदर देन डबल डायमंड विशाखा पवार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप लोगों की मदद से, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ऐसी चीज दीजिए कि लोग यहाँ से मोटिवेट होकर के और कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के जाए। पवार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिंह सर, इतना बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया है और इतना शानदार, मतलब एक माँ के हैसियत से उन्होंने मुझे बुलाया है। आई गॉट रियली टच, क्योंकि हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से, महिला सशक्तिकरण के हिसाब से बुलाया जाता है, लेकिन आज एक माँ को ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये सिर्फ गुरु ही कर सकते परिवार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने 12 तारीख को एंजॉय किया और मुझे नहीं लगता 8 मार्च एक लौता इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। 365 दिन महिला होते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं है। 365 दिन हमारे आज थोड़ा अलग से देखती हूँ।
कोरोना में सब लोग कोरोना से निकले, कोई ऐसा बचा नहीं था कि उसको कोरोना नाम नहीं सुना, ऐसा कोई है जिन्होंने कोरोना नाम नहीं सुना? ऐसा कोई है? नहीं है। गुड मॉर्निंग। 1993 में गुड मॉर्निंग वर्ड डॉक्टर लिंडसे ओजन ने दिया, उसका अर्थ के कोरोना में समझ में आया। सिर्फ हम उसका अलग चित्र आज देखेंगे, समझेंगे कि एक दृष्टा, अ विजनरी पर्सन क्या देखे गया है और हमको वहां से क्या उठाना है, हम वहां से क्या ले सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है अलग टॉपिक है, कभी सुना है ये टॉपिक? अलग लग रहा है आपको, लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगी ये आपने जिया है, सिर्फ उसको आज अलग नजरिए से हम देख रहे हैं। अगर आज कुछ जवाब सवाल मैं पूछूंगी तो आप बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से वो जवाब दो। गलती, कॉपी, किसी को पूछना, असिस्टेंस, नथिंग, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पिताजी ने हमारे लिए कितने साल डाले हैं? 30 साल बड़ा करने के लिए डाले है ना, हमको तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए। उनके पिताजी ने उनके लिए कितने डाले हैं? 30 साल उनको खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। उनके पिताजी ने उनके लिए कितने डाले हैं? परदादाजी ने कितने डाले हैं? 30 साल डाले तैयार करने के लिए, हमको तैयार करने के लिए पिताजी ने 30 साल जीवन के लगाए, उनको तैयार करने के लिए उनके पिताजी ने 30 साल लगाए, उनको तैयार करने के लिए दादाजी को परदादाजी ने 30 साल लगाए, कुल मिला के कितने हुए? कितने साल हुए? सुनाई नहीं दे रहा है, अच्छे से सुन रहे हैं क्या? 90 साल। यस, 90 साल में मैं पूछना चाहती हूँ, 30 30 30 90 लगा दिए, 90 किलोमीटर तक आपको पहचानने वाला, आपको सरनेम से पहचानने वाला, आपके परदादा को, दादाजी को, आपको पहचानने वाला 90 किलोमीटर में ऐसा कुछ बना के रखा है कि आपको पहचाने 90 किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में? नहीं बना के रखा है, कुछ भी नहीं बना के रखा है। तो ये 90 साल किस चीज के लिए लगा है? अगर 90 सालों में 9 किलोमीटर तक कुछ नहीं आपको पहचान बना के छोड़े हैं, तो 90 साल हमने किस चीज के लिए लाए? ये नाम पहचान थे, हर वक्त मैं पूछती रहती हूँ नाम पहचान के लिए। गुलाम, गुलाम कौन है? गुलाम की कोई है लड़का जो नए बंदे है, कोई है जो ये नाम पहचानता है? नहीं। इस चेहरे को आप पहचानते हो? Yes. चेहरे को पहचानते हो? ओके। एक ही आदमी मिला जो चेहरे को पहचानता है। कितने सोर्सेस है? 27 सोर्सेस है, और उसमें भी ज्यादा जायंट सोर्स कौन सा है उसका? उसका जायंट सोर्स क्या है? ई कॉमर्स यानी Amazon। Amazon को कौन पहचानते है? ऐसा कोई बंदा है जो Amazon को नहीं पहचानता है? ऐसा कोई बंदा है? घर घर पहुंचा है, कितने सालों में पहचान हो गई होगी? अभी 4-5 सालों में, 6 सालों में, ये एक घर भी नहीं छोड़ा। मैं मजाक में कहती हूँ इसको बिंदी, आपका कंगन या चुनरी, इससे कुछ लेना नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आपको Amazon पे ये सब चीज मिलती है। पावर ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये चलता है, और पावर ऑफ इंफॉर्मेशन से ये कमाता है, और आज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, जग भर में अमीरों के लाइन में खड़ा हुआ आदमी है। सिंपल है? नहीं सिंपल। ये यहां तक नहीं रुका, 28वां सोर्स ऑफ इनकम इसने एजुकेशन सिस्टम को निकाला। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, 7 स्टार मतलब 7 स्टैंडर्ड। हम जाते हैं ना
फाइव स्टार होटल में जाते हैं, सेवन स्टार होटल में जाते हैं, वैसे सेवन स्टार स्टैंडर्ड का एजुकेशन सिस्टम इसने लगाने को शुरू कर दिया। दिस इज हिज 28वां सोर्स ऑफ इनकम है। कितना? 28वां। चुपचाप बैठा अमेजोन करके, ये चुपचाप बैठा नहीं बैठा, इसने क्या किया, अपना 28वां सोर्स ऑफ इनकम भी शुरुआत कर दिया। और कौन सा इनकम इसने शुरुआत कर दिया है? तो ऐसा इनकम कि ये पूरे उसके सिस्टम को सपोर्ट करेगा। एलॉन मस्क नाम सुना है आपने, या टेस्ला, या समझ रहे टेस्ला, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स नाम सुने हैं क्या? एक ही कंपनी पे ये कमाते हैं? एक ही कंपनी है उनकी? स्टारलिंक भी चलता है, टेस्ला भी चलता है, और क्या क्या न जाने कितने कितने कंपनीज है। अगेन बिल गेट्स की कितनी सारी लाइन में कंपनीज है। दूसरा एक चीज है, विच इज द रिसोर्स दे आर यूजिंग, कौन सा ऐसा स्रोत है जो दुबई एंड अरब कंट्रीज यूज कर रहे हैं कमाने के लिए? ये बंदे पहले तेल, मतलब आखात में क्या हुआ करता था, तेल नेचुरल रिसोर्स था, वो टिकेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही व्हीकल आएगी, इनका यहाँ का जो दबदबा है वो निकल जाने वाला है। तो उन्होंने क्या शुरू किया है, क्या शुरू किया है, दुबई इज फेमस फॉर व्हाट नाउ, इज फॉर टूरिज्म। और इतना बढ़िया सा टूरिज्म उन्होंने किया है कि आजकल लोग ये भूल गए कि यूरोप यूएस जाने के लिए, वो जाना चाहते हैं कहाँ, दुबई, टूरिज्म के लिए। हमारे लिए तो नजदीक है, तो वी आर प्रेफरिंग दिस वेरी मच। इनको पहचानते हैं? सुनाई नहीं दे रहा आप, कितना मोटी आवाज में बात कर रहे हो, चाय कॉफी होनी चाहिए। टाटा, ही इज अ जायंट इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़े कारनामे के हिसाब से हम इनको जानते हैं। कौन सी सारी कंपनीज ये है, मल्टीपल सोर्स में काम करते हैं। ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल टाटा नैनो है, जैगुआर है, मर्सिडीज है, टीसीएस, येलो पेजेस जानते हैं, जो 40s 30s में है येलो पेजेस जानते होंगे, जो आज का गूगल बाबा है या तो हम यूट्यूब पे है, तो पहले येलो पेजेस थे। टाटा AIG इंश्योरेंस, चाय है, नमक है, संपन्न मसाला है, वेबसाइट क्लॉथ शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाटा ज्वेलरी है, फाइव स्टार होटल्स है, मेनी मोर 150 सोर्सेज ऑफ इनकम। एक सोर्स पे है, एक ही तरफ से इनका पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, 150 सोर्सेज ऑफ इनकम। इनको पहचानते हैं? पहचान सा चेहरा लग रहा है ना, मुकेश अंबानी। क्या एक सोर्स ऑफ इनकम पे है, एक ही में पैसा आ रहा है, नौकरी से आ रहा है, धंधे से आ रहा है, पूरा क्या लगा के रखे, पाइपलाइन लगा के रखे। हम देखेंगे कि इनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या है। पेट्रोकेमिकल से बहुत कमाई है, पेट्रोकेमिकल से इन्होंने बहुत कमाया। फिर जियो का फाइबर नेटवर्क, जियो मोबाइल नेटवर्क है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस इंडस्ट्री है, शूज है, ज्वेलरी है, रिलायंस वेलनेस हॉस्पिटल है। और जब मुझे रिलायंस ट्रेंड से जब मैसेज आता है, तो आई वाज शॉक्ड कि इन्होंने कपड़े के व्यवसाय में भी काम करना, रिलायंस ट्रेंड है, पता है आपको, सुना है आपने, रिलायंस ट्रेंड में इन्होंने शुरू कर दिया है। ये मैं ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ ई कॉमर्स। आप ई कॉमर्स समझते हो, ऑनलाइन बुकिंग करके ऑनलाइन घर पे ऑन डिलीवरी चीजें आ जाती है, इसको ई कॉमर्स। अमेजोन से तो ये बंदा जेफ बेजोस रिचेस्ट मैन हो गया, लेकिन आज अंबानी जी सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए कितना पैसा लगाया है, 200 करोड़, सिर्फ ये समझने के लिए कि मैं ये धंधा, ये व्यवसाय, ये बिजनेस, मैं इस चीज का एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं के नहीं, इसके लिए कितने लगाए हैं, हमारे पास है इतने, सिर्फ R&D के लिए है, ठीक लाएंगे हम।
इनको जानते हो आप? वेरी गुड। और कोई बंदा बोलेगा कि इनको जानते हैं, पहचानते हो इनको? गोदरेज जी है कि नहीं? यू अग्री ऑर नो? है ये गोदरेज है। लॉकर्स में ये मास्टर्स है। ऐसा कोई सेफ है कि जो गोदरेज का नहीं है? ये लॉकर के लिए जाने जाते हैं, ताला जो समझते हो, ताला। ओके, और किस चीज के लिए जाने जाते हैं? कपाट है आपके पास, कपाट, स्टील का कपाट। कभी फ्रिज हुआ करता था इनका? हाँ, गोदरेज का। और क्या चीज होती है गोदरेज की? और इलेक्ट्रॉनिक्स से आए अभी, फर्नीचर्स में, मॉड्यूलर फर्नीचर्स में आए। और क्या चीज है? इनके लिए तालियां होनी चाहिए। पहले लॉकर दिया, अभी क्या दे रहे हैं? घर दे रहे हैं। चुपचाप बैठे क्या? इतने से इतना कमाए हैं, लॉकर, कपड़, स्टील दिया है, टॉयलेट सोप दिया है, लोशन दिया है, हेयर डाई दिया है, लेकिन क्या कर रहे हैं? आज रियल इस्टेट में भी उतरे हैं, एक बड़े जायंट बिजनेसमैन के हिसाब से रियल इस्टेट में भी इन्होंने अपना पैर रखा है। मैं जानना चाहती हूँ रियल इस्टेट में और कितने जायंट्स हैं। आज पढ़ाई होने वाली है, कितने जायंट्स आज रियल इस्टेट में है? टाटा हाउसिंग है, गोदरेज हाउसिंग है, और एक नाम मैं जानना चाहती हूँ, हीरानंदानी है, और एक नाम एलएनडी है, रुस्तम जी है, और एक नाम लोडा, लोडा, और एक नाम जो आपका पहचान वाला है लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते। इज देयर वन मोर नेम? वन मोर नेम, वेरी गुड। अनदर नेम? वेरी गुड। इज इन अ फार्मा बट स्टिल इज इन एस्टेट। दिस इज अ वन नेम विच आई एम एक्सपेक्टिंग। हर रोज उसकी गाड़ी रास्ते में देखते हो, लेकिन वो बंदा स्टेट एजेंसी में उतर सकता है, कभी सोच विचार भी नहीं किया था। नो अडानी, नो मैराथन, वेरी गुड। बट वन मोर, एनीवन, एनीवन, गिवन अप? हार गए हम? नहीं, जीतेंगे। महिंद्र सुना है? जो रास्ते पे दौड़ता है ना, रास्ते पे, आज वो भी रास्ते के बाजू में क्या बना रहा है? घर बना रहा है। मतलब सब जायंट्स जमीन पे सितारे बिछा रहे हैं, एक जगह पे ठहरे हुए नहीं है। अगर बिग अंपायर खड़ा करना है, आपको लगता है हर एक की इच्छा रहती है, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो सपना नहीं देखता है। हर एक बंदा चाहता है कि मेरा बड़ा से बड़ा घर हो, बड़ा से बड़ा गाड़ी हो, बड़ा से बड़ा बैंक बैलेंस हो। ऐसा कोई बंदा है कि नहीं चाहता है? ऊपर वाला सुन रहा है, गलती मत कीजिएगा, वो तथास्तु बोलेगा। सब बड़ा चाहते, लेकिन ये बड़ा बनाने के लिए आइडिया भी बड़ी होनी चाहिए, चाहिए ना बड़ी वाली आइडिया? उसके बाद क्या चाहिए आपको? एक ह्यूज कैपिटल चाहिए। लागत जितनी बड़ी लगेगी आप काम करोगे, लागत अगर कम लगाई तो मजा नहीं आएगा, लेकिन ये लगाने के लिए कोई आपको हाथ देने वाला नहीं होता है। आपकी आइडिया कितनी भी अच्छी हो, लेकिन साथ देने वाला, हाथ देने वाला लिमिटेड है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जमीन भी चाहिए और जमीन के ऊपर उसका स्ट्रक्चर भी चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत जरूरी है। ये जो टेस्ला है, एलॉन मस्क है, वो पूरे भारतवर्ष में ढूंढता रहता है कोई इंजीनियर मिल रहा है क्या? मेरे लेवल का इंजीनियर, मेरे लेवल का बंदा कहां मिल रहा है क्या? ये पूरे जग भर में ढूंढ रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब मेरे विचार वाला, मेरे कार्य वाला, मेरे जैसा विजनरी कोई है तो उनको हमको एक साथ लाना है। मार्केटिंग चैलेंजेस, मार्केटिंग चैलेंजेस तो बहुत करते हैं। मतलब मैंने अगर दुकान डाले, उसके बाजू में अगर कोई और वही दुकान डाले,
तो मजा आएगा ना कॉम्पिटिशन का कि नहीं आएगा? मजा आएगा। लेकिन कुछ गलत काम उधर किए तो गड़बड़ होगी। मैं गलत काम नहीं कर सकती। मार्केटिंग चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक मार्केटिंग चैलेंज में दो तीन चैलेंजेस में इंटरनेशनल आपको बताना चाहती हूं। आज थोड़ा जग घूम के आएंगे। इंटरनेशनली एक ब्रांड है, जो ब्रांड का मैं नाम नहीं लूंगी, वो वेरी डोमिनेटिंग मोनोपोली ब्रांड था। डोमिनेटिंग मोनोपोली मतलब उसके बिना, उसके कॉम्पिटिशन में उसके जैसा कोई ब्रांड नहीं था वर्ल्ड वाइड। जब वो बंदा अपने लोगों के साथ बैठा और ये सोचने लगा, अगर मेरे सामने कोई कॉम्पिटिटर अलग से आ जाए तो मेरी क्या पोजीशन है, वो उसको खुद को देखना था। इसलिए उन्होंने दूसरा खुद का ही कंपनी निर्माण किया, लेकिन उसको अलग नाम दिया। अभी क्या कर रहा है, खुद के लिए ये चैलेंज मोनोपोली में क्रिएट कर रहा है। खुद का ही कंपनी निर्माण किया, उसका अलग नाम दिया और उसको कॉम्पिटिशन लेवल में रख दिया। अभी जब ये कॉम्पिटिशन लेवल में आ गए, ओनर कौन है? एक ही है, बराबर है। लोगों को पता नहीं है कि ओनर इज वन। दे आर लुकिंग एट इज एन ऑप्शन फॉर द पहले प्रोडक्ट के लिए, पहले सर्विस के लिए ये सेकंड ऑप्शन देख रहे थे। लेकिन जो लोग थे उन्होंने पहले ऑप्शन को ही प्रिफर किया। अभी मैं पूछना चाहती हूं, इज इट अ विनिंग पॉइंट फॉर दैट और इज इट अ लूजिंग पॉइंट फॉर? जीतने का है कि ये हारने का चीज हुआ? क्या चीज हुआ? यस, ब्रांड लॉयल्टी। और ये हमको खुद को देखना बहुत जरूरी है। दैट इज अ वन ऑफ द मार्केटिंग चैलेंज। मैंने क्लियरली आपको जो बोला आपको समझ में आया? बराबर है कि घर में माँ है, बहू आती है, या तो बच्ची है, बहू आती है, हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते। ये नेचर है, हो जाता है। वैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट्स है, हम उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप अच्छी चीज मार्केट में दिए हो तो वो कस्टमर आपके लिए क्या रहेगा? लॉयल रहेगा, एक प्रामाणिक कस्टमर रहेगा। कितनी भी चैलेंजेस आए आप अच्छे से उसको डिलीवरी दे सकते हो। और ये मार्केटिंग चैलेंज बहुत संभालना जरूरी है। मेरे पास जो है वो यूनिक है, अच्छा है, उसके बारे में आपको खुद को पता होना बहुत जरूरी है। हेल्दी कॉम्पिटिटर, एक ब्रांड बीच में आया था एंड दैट वॉज वन ऑफ द वेरी गुड ब्रांड था। लेकिन उसको जो कॉम्पिटिटर था उसने कुछ गलत चीज की। गलत चीज ये की कि उन्होंने कॉम्पिटिशन वक्त उतारते वक्त उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग करने से पहले उन्होंने दिल में डाल दिया। गलत किया मतलब मार्केट से वो स्टॉक उठा के उन्होंने गुल कर दिया। अभी कस्टमर के पास चॉइस नहीं रही, उसको वो दूसरा रैंक वाला ही प्रोडक्ट उठाना पड़ा। ऐसे ही चैलेंजेस मार्केट में आ सकते, गलत कॉम्पिटिटर हो सकता है। इसलिए आपको हेल्दी कॉम्पिटिशन की बहुत जरूरी है। मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड तो ऐसे है ना कि विचार करें मार्केट बदल जाता है। एवरी नाउ एंड देन जो भी चेंजेस है वो बहुत रैपिडली ये चेंज होता रहता है। और आपको उसको सर्विस देना, उसका रिक्वायरमेंट पूरा करना बहुत जरूरी है। सिंपल चीज है, पहले हम ढूंढते थे किधर पोड़ी भाजी केंद्र है क्या, फिर हम ढूंढने लगे वड़ा पाव केंद्र है क्या, फिर हम ढूंढने लगे चाइनीज भेल मिलती है क्या। आज क्या ढूंढते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। What's that? Exactly. Give another big hands. सुनते हैं ना मोमोज किधर, वेज मोमो मिल रहे हैं, नॉन वेज मिल रहे हैं, सिल्की मिल रहे हैं, फिर क्या ग्रीनरी मिल रहे हैं। द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, उसमें बदलाव होता जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको मार्केट को देखना बहुत जरूरी है। अनलिमिटेड मार्केट रिस्क, अनलिमिटेड। मैंने माल उठा के गोडाउन में डाल दिया, वेयरहाउस में डाल दिया, वो मार्केट तक पहुंचाने तक अगर ट्रांसपोर्ट की कुछ गड़बड़ी हो गई
तो अगेन इट इज अ रिस्क। रिस्क है हमारे लिए, अगर वो कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, दुकानदारों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अगेन इट इज अ मार्केट रिस्क। कोरोना पीरियड में कितने सारे मॉल्स शॉप्स ये रिस्क में रहे, कितना धान फेंकना पड़ा, बिकॉज वो एक्चुअली कस्टमर तक नहीं पहुंच पाए, हालत उनकी बेकार थी। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद द मार्केट रिस्क। जब बिग एम्पायर खड़ा करना रहता है, जायंट बनना रहता है, तब ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। आसान है? लगता है आसान है? मैं डरा नहीं रही हूं, घबरा नहीं रही हूं, लोग करने वाले हैं। हमने देखा टाटा जी ने किया, गोदरेज साहब ने किया, अंबानी जी ने किया, लेकिन कितना पैसा लगाया, कितना जीवन डाला, कितने जीवन के साल डाले, कितने रिस्क ली, उसके बाद उनको हासिल हुआ। एक राइट कंपनी या तो जायंट बनना चाहते हो तो एक चीज, पांच चीजों की बहुत जरूरत रहती है। प्रोफाइल, अगर घर का बच्चा भी हमको स्कूल में भेजना है तो हम क्या देखते हैं? स्कूल का प्रोफाइल देखते हैं। देखते हो ना, स्कूल कौन सा भेजोगे, उधर का क्राउड अच्छा है क्या, अच्छे बच्चे आते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, कौन से बिल्डिंग में वो होता है, वहां की फीस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, थोड़ा बड़ा फीस है फिर भी अच्छा स्कूल है तो हम उधर डालेंगे, अच्छा कॉलेज है, इधर से कॉलेज से निकल के मेरा बच्चा 5-10 साल में अच्छा करियर सेटअप कर सकता है, ये प्रोफाइल हम जरूर देखते हैं। अगर घर में बहू लानी है या तो जमाई लाना है तो उसकी प्रोफाइल हम अच्छे से ठाक ठोक करके, वो अच्छा है कई दसम महीना, उसके घरदार वाले अच्छे है, वो अच्छा करियर बना सकता है, सब चीजें हम प्रोफाइल में देखते हैं। और एक प्रोफाइल हम देखते हैं जहां हम काम करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, प्रोफाइल देखते हैं। और जब जॉब करने का विचार करते हैं तो वो जो एम्प्लॉयर रहता है वो भी कहता है आपकी ये प्रोफाइल होनी चाहिए, आप ये काम कर सकते हो, ये आप दिखाना चाहिए, आपका उतना स्किल, एजुकेशन, आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी होनी चाहिए। द प्रोफाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल बिहाइंड द शो, कौन से लोग लगे हुए स्कूल में, कौन से टीचर्स है, कौन सा वो ट्रस्टी का पूरा पैनल है, कॉलेज में वो कौन से प्रोफेसर्स है, व्हाट इज द फैकल्टी ऑफ द कॉलेज, वो कौन सा खानदान है जहां से मैं बहू लाना चाहती हूँ, वो कौन सा खानदान है जहां से मैं जमाई लाना चाहता हूँ, वो कौन सी कंपनी है, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट है, सब लाइक नॉन गवर्नमेंट है, जो भी है, वो प्रोफाइल, वो पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां मैं जाके काम करना चाहती हूँ उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना मेरा प्रोस्पेरिटी बनने वाला है, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, उस स्कूल से मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, कॉलेज से पढ़ेगा, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि एक संस्कारित औरत बहू के हिसाब से हम घर पे लाते हैं, या तो संस्कारित घर में हम बेटी देते हैं, तो दैट गिव्स यू अ गुड डिलीवरी, मतलब एक अच्छा आपको भविष्य उसमें मिलता है। तो उस चीजों से, उस प्रोडक्ट से क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं और उसमें क्या देखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लान, स्कूल में कितना फीस डोनेशन देते हैं, कॉलेज में कितना लगाना पड़ता है, इंजीनियरिंग करना है तो 10 से 15 लाख है, डॉक्टर बनना है तो एटलीस्ट 50 लाख से 1 करोड़ डालना है, बहू लेके आना है तो उसके लिए जेवरात भी बना के रखना है या तो घर भी बना के रखना पड़ता है। सो दैट इज अ प्लानिंग कि मैं एक 1 BHK में रही हूं लेकिन मेरा बच्चा 3 BHK में रहे, सबका मन रहता है अच्छे से रहे, तो मैं मेरे बच्चे को बहू को क्या दूंगी, या जिस बच्चे को मैं दूसरे घर भिजवा रही हूं तो उधर का प्लानिंग क्या है, क्या वो लोग अपने भविष्य के बारे में अच्छे से प्लान है कि नहीं। ऐसे कोई घर में हम बच्चा देना नहीं चाहते, बच्ची को देना चाहोगे आप, ऐसा कोई जमाई आप लाना चाहोगे जिसका प्लानिंग ही नहीं है, ऐसा कोई जमाई लाओगे आप पूरा विचार करोगे कि मेरी बच्ची वहां पे खुशहाल रहे, समृद्ध रहे,
वो प्लानिंग उनके पास है तो ही आप बच्ची देते, नहीं तो बच्ची भी आप उधर नहीं देते। करियर में भी हम यही देखते हैं कि मैं वहां अगर अकाउंटेंट ज्वाइन होता हूँ या तो सबऑर्डिनेट ज्वाइन होता हूँ तो मैं मैनेजर के पोस्ट पे वहां जा सकता हूँ, मेरा करियर वहां पे बढ़ोतरी कर सकता है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, अगर सिस्टम है तो सब कुछ चलेगा, सिस्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। ये जो भी आज जीवन है ये पूरे सिस्टम पे चल रहा है, इधर का उधर हो गया तो गड़बड़ हो गया। सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्पररी है कि परमानेंट है ये आपको देखना पड़ता है। अगर टेम्पररी है 9 से 5 का है तो आपको ये 9 से 5 का सिस्टम ज्यादा देर तक काम नहीं आएगा, आपके हर रोज के जीवन के लिए वो रहेगा। लेकिन जब आप बड़े सपने के लिए ढूंढते हो, सब चीजें एक ही में मिले और आपका जो प्रोस्पेरिटी, जो करियर देखना चाहते हो वो आप उसमें देख सकते हो। मैं वेलकम करना चाहती हूँ, हमेशा मैडम कहती है द ड्रीम कंपनी, मेरे सपनों की कंपनी। यस, लेट्स वेलकम BXM। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमको प्रोफाइल भी मिली, पीपल मिले, प्रोडक्ट भी अच्छे मिले, अच्छा बिजनेस प्लान मिला, सिस्टम मिला, और आज कोरोना के कंडीशन में भी इस कंपनी की वजह से हम हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस लिए हुए। सेलिब्रेटिंग 30th एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर, 222 देश, दो भी ब्रांच खोलने पड़ते हैं ना तो लग जाती है कंपनी, 222 देशों में जग भर में फैली हुई है। और कैसे फैली हुई है, डॉक्टर लिम सियोजिन की वजह से। इज अ ग्रेट साइंटिस्ट और इतने प्राइजेस, इतने रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती कि जो व्यक्ति एक छोटा सा खेड़े गांव, एक छोटा सा गांव खेड़ा, वहां से पूरे जग भर में आज इतना विजनरी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आई थिंक एक बढ़िया सी तालियां। इम्यूनिटी, मैं पूछना चाहती हूँ, कोरोना से पहले जब हम BXM के लिए बात करते थे कितने लोगों ने मजाक सुना है, हंसते थे लोग, ऊपर हाथ ऊपर, हाथ ऊपर छेड़ते थे हमको, क्या पागल की तरह घूमते हैं, इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति ये क्या चीज होती है। अभी सब लोग पहले 3 तक का ही बात करते थे कि इम्यून सिस्टम चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और 97% मजाक उड़ाते थे। आज 100% लोग, कितने लोग, 100% लोग इम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं कि मेरा आज का और कल का दिन मजबूत जाए, आज का और कल का दिन मजबूत जाए, इसलिए इम्यूनिटी को ढूंढ रहे। हमारे पास ये इम्यूनिटी कब से है, 29 ईयर्स। तालियां किसके लिए होनी चाहिए, वन वर्ल्ड वन मांगो, एक छत के नीचे और एक लेग से भी इनकम। मतलब अगर मैंने एक आदमी को भी डेवलप किया है, स्पॉन्सर किया है, अच्छे से तैयार किया है, तो वहां से भी मुझे क्या आएगा, इनकम आएगा। BXM बिजनेस प्लान ये इस वजह से मजबूत है कि एक उस व्यक्ति को ढूंढो कि जो आपके जैसा विचार करता है, आपके जैसा राजा बनना चाहता है, वो भी आपको कहां से कहां लेके जाएगा। RBC सिस्टम के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, कोरोना में अगर RBC सिस्टम नहीं होता क्या हम आज इधर बैठे हुए होंगे, तितर बितर जाते, हालत बेकार होती, पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है और क्या करना है। RBC सिस्टम ऐसी चीज
कि ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, सबको कट डाउन करके घर पे बैठना था, बैठना पड़ा था, लेकिन अनदर विजनरी प्रोफेसर वसुपाल सर, तालियां हमें चाहिए। डिसीजन लिया, अगर ऑफलाइन नहीं हो सकता हम ऑनलाइन जा सकते, वर्चुअल जा सकते, ज्ञान की गंगा घर तक पहुंचाएंगे। और आरवीसी सिस्टम इज समथिंग कि उन्होंने आपके किचन तक, आपके बेडरूम तक, आपके हॉल तक, आप तक ज्ञान ये पहुंचाया और रुके नहीं। आज तक ऑफलाइन में भी ये ऑनलाइन का सिस्टम चालू है। आज केवल ये पूरा बिजनेस नहीं, बहुत सारे जीवन बचे हैं केवल आरवीसी सिस्टम की वजह से। तालियां होनी चाहिए। व्हाई वी आर सेइंग डीएक्सएन, ऐसी क्या चीज है जो हम चिल्ला रहे हैं डीएक्सएन इज अ ग्रेट कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, वन वर्ल्ड वन मार्केट, हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, नेचुरल हब है, एक ऐसा सोर्स हमारे पास पहुंचा है जो बहुत ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और कोई भी ले सकता है। कौन ले सकता है? इज इट सेफ एंड साउंड? इसके लिए अगर हम दे सकते हैं तो हमारे लिए ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, आपका इकोनॉमिकल, आपके जेब का भी विचार किया है और ऐसे प्रोडक्ट हमारे हाथ तक पहुंचाए हैं जो नेचुरल है और डेली यूजेबल है। हम चाय को ना बोल सकते हैं, कॉफी को ना बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मेहमान आए तो उसको पहले क्या बोलते हैं? पानी के बाद चाय पी के जाइएगा। पुणे वाले असली थे, सबको विचारते सॉरी चाय में डर का कॉफी मजाक कर रहे थे, फिर भी पूछते हैं चाय के कॉफी। उधर वो कटौती नहीं करते। इट इज वेरी सेफ एंड साउंड कि हमारे लाडले को, एक नन्ही शिशु को भी हम बिंदास ये नेचुरल चीज दे सकते हैं। तालियां होनी चाहिए। पर्सनल केयर में हम ब्रश यूज कर रहे हैं, डेनोजिक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे डेनोजिक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं? डेनोजिक टूथपेस्ट सिर्फ दांत के लिए यूज कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए भी यूज कर रहे हैं? स्मॉल मिनी डॉक्टर के हिसाब से कर रहे हैं, गार्गलिंग के लिए भी आप कर सकते हो। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरे पास एक यूजर है, अभी वो हमारे फ्रेंड हो गए। शी इज अ रिटायर्ड ब्रिटिश एयरवेज, आप ब्रिटिश एयरवेज जाते हो, एयरलाइन है, ब्रिटिश एयरवेज की रिटायर ऑफिसर है। 27 साल ब्रिटिश एयरवेज में काम करके अभी ऑलमोस्ट 30 to 30 ईयर्स रिटायर है। उम्र है 83। कितना उम्र है? 83। वो लंदन के आउटस्कर्ट्स, मतलब हम मुंबई का सबर्ब कहते हैं वैसे लंदन के आउटस्कर्ट्स में रहती है, मतलब जहां पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है, टाउन से अलग, थोड़ा नेटिव के हिसाब से रहती है। अगर वहां पे कान का दर्द है, सर्दी होती है या घुटना दर्द होता है, आप केमिस्ट के पास जा सकते हो, एक पेन किलर ले सकते हो, मांग सकते हो, पॉसिबल है, मांग सकते हो पेन किलर, दवाई मांग सकते हो डॉक्टर के पास, लंदन में जा सकते हो, ब्रिटेन में। ये टूथपेस्ट हर साल जब वहां बहुत ठंड पड़ती है ये मुंबई आती है, मुलुंड आती है, यहां से 24-30 टूथपेस्ट लेके जाती है, ऑयल लेके जाती है। सिंपल चीज मैं बोलती हूँ, पानी वो पिघला देती है टूथपेस्ट को, अगर कान पेन कर रहा है तो उधर वो टूथपेस्ट को लगाती है, सर्दी हो रही है तो नाक को लगाती है, घुटना पेन कर रहा है ना फिर वो टूथपेस्ट को लगा के वहां छोड़ देती है। क्या कर रही है टूथपेस्ट? ब्रश कर रही है, सिर्फ दांत साफ कर रही है। 83 एज, -degree Celsius। हमारे यहाँ अभी ठंडी पड़ी थी तो हम हिल गए थे,